तो भाई आप सभी का स्वागत है मेरे पहले व्लॉग में। और अभी मेरे को 3 दिन पहले सैमसंग कंपनी के मालिक का फोन आया था और वो कह रहा था अज्जू भाई हम लोग सैमसंग गैलेक्सी S24 नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाले हैं और उसकी लॉन्च इवेंट हमने रखी है इंडिया में दिल्ली में, तो आपको आना पड़ेगा। और मैंने बोला अच्छा आ जाऊंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, उसी के लिए मैं कल सुबह मॉर्निंग में निकलने वाला हूँ सूरत एयरपोर्ट के लिए, और सूरत एयरपोर्ट से मैं जाऊंगा दिल्ली, और ये होने वाला है मेरा पहला इवेंट जिसे मैं अटेंड करने वाला हूँ। वैसे दिल्ली में बहुत ज्यादा ठंड होगी तो मैंने स्वेटर ले लिया है, हालांकि मैंने बैग जो है ना वो पूरा पैक कर दिया है, बस स्वेटर बाकी है। और मैं सोच रहा हूँ कि अभी कल सुबह इसको मैं बैग पैक के अंदर साथ में डाल दूंगा और सीधा निकल लूंगा एयरपोर्ट के लिए। तो अभी रात के 2 बज चुके, मैं सोने के लिए जाने वाला हूँ। मेरे को ये क्लिप रिकॉर्ड नहीं करनी थी, बाद में मैंने सोचा कर लेता हूँ, काम लग जाए क्या पता। दूसरे दिन सुबह 10 बजे तो भाई हम लोगों को एयरपोर्ट में मिले हमारे फ्रेंड। अब कितने टाइम से देखते हो मेरे को? 2018। आपका नाम क्या है? दिनेश भाई। और ये है नेपाल से, और देखो इंटरनेशनल स्टार। आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम मुकेश। मुकेश उत्तराखंड से। उत्तराखंड से आप गुप्ता मुकेश को जानते हो? गुप्ता मुकेश। तो अभी हम लोग दिल्ली जाएंगे और सीधा दिल्ली मिलेंगे। चलो भाई भाई अभी मैं दिल्ली आ चुका हूँ और दिल्ली में अलग ही लेवल पे ठंडी है। मेरे को जैकेट वगैरह लेके आना चाहिए था ताकि मेरे को ठंडी ना लगे। तो भाइयों मेरे को यहाँ पर सैमसंग वालों ने 5-स्टार होटल दिया। एक मिनट, यहाँ पर कोई सीक्रेट दरवाजा है, ये देखो यहाँ पर ये वाला। ये दरवाजा किस लिए है मेरे को नहीं समझ रहा, बट इसको ओपन करने का ट्राई करते हैं। अरे यार ये बाजू में जाता है, पता नहीं कहाँ पर जाता है, बट ये सीक्रेट दरवाजा यहाँ पे होटल में तो है। उसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें हैं, तुम अगर देखोगे तो ये रूम है पूरा। और यहाँ पर ये क्या है भाई? ये है गैलेक्सी AI का बैनर। बैनर बोले इसको क्या बोलेंगे? बुबारा, आई थिंक इसको बुबारा ही बोलेंगे। और बाकी ये सब चीज़ें रखी हुई है, ये खाने के लिए कुछ चॉकलेट वगैरह। ये चॉकलेट है, ये स्टार है भाई। मेरे को ना समझ नहीं रहा है कौन सी चीज़ क्या है, ये इसको क्या बोलते हैं। ये तो समझता है मेरे को, एप्पल है और ये केला है। एक और चीज मैं तुम्हें बताता हूँ, अभी मेरे को फेस रिवील किए हुए 15 दिन हुए और मैंने 15 दिन में फेस रिवील के बाद एक Q&A वीडियो डाला और एक फेस रिवील वाला वीडियो जिसमें मैं थोड़ी देर के लिए दिख रहा हूँ। बट जब मैं सूरत से निकला अपने घर से कैब लेके, वहां पर मेरे को 3-4 लोगों ने पहचान लिया और वो फैन थे, फोटो खिंचवाया। उसके बाद मैं आया सूरत एयरपोर्ट पे, उनका तुमने वीडियो देखा, वो लोग भी मेरे फैन थे, उनके साथ मैंने फोटो खिंचवाया। उनको देख के और लोग आए, मैंने फोटो खिंचवाया। भाई मतलब एकदम वो वाला सेलिब्रिटी वाला फीलिंग नहीं आता, वो मेरे को दे दिया है। और प्लेन में बैठने के बाद क्या हुआ सुनो अभी। तो प्लेन में मैं और मेरा भाई ऐसे ही हम लोग बातचीत कर रहे थे और सामने वाली सीट में बैठी थी एक आंटी जी जो कि हमारी बातें सुन रही थी। बट मेरे को लगा कि पहले मेरे को लगा था जाहिर सी बात है कि शायद से मेरे को पहचान लिया, बट उन्होंने कुछ बोला नहीं, मैंने भी कुछ बोला नहीं। बट जब हम लोग दिल्ली लैंड किए, वो मासी मेरे पास आए और वो आंटी जी ने अपने बेटे को कॉल किया और वीडियो कॉल पे मेरी बातचीत करवाई। आंटी जी ने वहीं बोला कि घर पे आपकी बातचीत मेरा बेटा बहुत ज्यादा करता रहता है इस टाइप से। तो भाई मेरे को ना पूरा सेलिब्रिटी वाला यहाँ पे फीलिंग आ रहा है, मजा आ रहा है सच बताऊँ तो। तो भाई एक चीज मैं तुम लोगों को बता दूं, अभी जो मैंने तुम्हें वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाया ना, यहाँ पे सभी लड़कों ने स्वेटर जैसा कुछ पहना है, बट लड़कियां वो सभी एकदम कोई स्वेटर वगैरह नहीं, मतलब मरना है इन लोगों को। हम लड़के सही है भाई, हम लोग कोई फैशन वेशन इतना कुछ है नहीं, कहीं पे भी ऐसे ही निकल जाते हैं, बट है ऐसा। यहाँ पर सभी क्रिएटरों के नाम आ रहे हैं जो भी सैमसंग की इवेंट में आया है, तो आई थिंक अभी थोड़ी देर में मेरा भी नाम आएगा। ये लो अभी आना तो चाहिए, ये रहा अजेंद्र रमेश भाई वरिया। आई थिंक मैंने अपना पप्पा का नाम रोशन कर दिया, मेरा पूरा नाम आया। तो भाई मैंने बोला था मैं एक्सट्रोवर्ट बनूंगा और अभी मैं मिला हूँ मोटल भाई से। मोटल भाई कैसे हो, क्या हाल चाल? मैं बन चुका हूँ एक्सट्रोवर्ट और मैं इधर सबसे बढ़िया बात क्या है पता है, यहाँ पे और भी क्रिएटर है बट मैं मिला हूँ सिर्फ मोटल भाई से। अरे वो क्योंकि हम लोग खेले हैं ना लाइव स्ट्रीम में, पहले भी फ्री फायर खेला था हम लोगों ने जब पबजी बैन हुआ था तभी। भाई मेरे को ये नहीं समझ रहा कि मैं मिलूं कैसे सभी से। मैं मिलाता हूं ना, ऐसे ही मिलना होता है, ऐसे ही मिलना। भाई सीधा मुंह पे कैमरा मारने का, क्या मारने का सीधा? मामा मामा मिलो। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ अज्जू भाई, आपकी जब पहली बार आप जब कैमरे के सामने आ रहे थे शक्ल दिखाने वाले थे। हाँ। रहा था, लुप लुप हो रहा था, फट रही थी? नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरे को मजा आ रहा था क्योंकि वहाँ पे एक्टिंग करना था ना। अज्जू भाई रियल में और भी ज्यादा स्मार्ट है और मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट किया था कि आवाज में होता ना, मतलब बोलता है तो मैं तो भाई मैंने एक्सपेक्ट किया था अज्जू भाई। Everyone is busy with their phones, but
तो अभी मेरे को सैमसंग गैलेक्सी S24 स्पेशल देखने को मिलने वाला है, और उसे देखने के लिए सामने वाली साइड पे बहुत ज्यादा भीड़ लगी। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो सभी लोग भाई अभी वहाँ पे भीड़ करके रुके हुए हैं मोबाइल देखने के लिए, और अपन आराम से जाएंगे और आराम से देख के आएंगे। भाई बहुत ही खतरनाक स्मार्टफोन होने वाला है भाई। सेकंड फोटो जोनाथन का पोर्ट्रेट वाला, ये भी बहुत सही है। देखो जोनाथन को दिखा दो, भाइयों आज ये मेरा दूसरा दिन दिल्ली में, और तुम्हें मेरी आवाज़ से ही पता लग रहा होगा कि मेरा जो गला है ना पूरा बैठ चुका है और सर्दी हो चुकी है पता नहीं, बट अलग ही लेवल पे कोल्ड होके रखा है मेरे को। और ठंडी दिल्ली में लिटरली बता रहा हूँ भाई बहुत ज्यादा है, इतनी ठंडी मैंने आज तक मतलब नहीं देखी है जितनी यहाँ पे है, और उस वजह से मेरा गला खराब होके रखा है, मेरी तबीयत भी खराब है। और आज दूसरा दिन है सैमसंग की इवेंट का, और आज होने वाला है टूर्नामेंट जिसमें जोनाथन का टीम है, मोटल का टीम है, BGMI का टूर्नामेंट है। वैसे मैं फ्री फायर का कभी भी लेन इवेंट नहीं खेला हूँ, बट आज मैं खेलने वाला हूँ सैमसंग का लेन इवेंट, और उसमें सभी BGMI के प्रो है, जोनाथन, मोटल, विली गेमिंग, पायल गेमिंग है, सबके भी टीम है, और एक टीम मेरा है टीम टोटल गेमिंग। अभी मेरी टीम में कौन कौन से मेंबर है मेरे को नहीं पता, वहां जाके पता लगेगा, बट हाँ मेरे को इतना पता है कि मेरे को 10वें नंबर पे नहीं आना है, और अगर हम जीत गए तो हमको मिलेगा ट्रॉफी और साथ में कैश प्राइज पूल। मेरे को प्राइज पूल का नहीं पता है, बट ट्रॉफी तो मिलेगा। भाई आप किसकी टीम में हो? मैं या स्पीरो भाई की टीम? हमारी आपकी टीम? अरे आपकी टीम तो बहुत ज्यादा कमजोर है। अरे अरे भाई ऐसे धारे बेइज्जती की अच्छी बात नहीं भाई, इतनी कमजोर टीम होती है क्या? बहुत कमजोर है। अरे वो अजय भाई मैं बताता हूँ, देखो हमने ना ऐसे कंफ्यूज किया है लोगों को दिखा के कि देखो हम ऐसा खेलेंगे, गेम प्ले हमारा मतलब इससे भी खराब है। वैसे इसने जानबूझ के ये पिया पानी में रहने का, जब तक जोन नहीं आता तब तक बाहर नहीं निकलने का। एक बंदा हमारा हील करेगा, एक बंदा पानी में रहने का, जब तक जोन नहीं आता तब तक बाहर नहीं निकलने का वहाँ से। समझ गया मैं। वो मेरा स्ट्रेटजी है, वैसा मत करना कोई, वरना वहाँ पे फाइट होगी। पानी मिलेगा जी भाई। गन फाइट कैसा है, गन पावर कैसा है आप लोगों का? आपने देख ही लिया स्क्रीन, गन पावर आपने देखा नहीं अभी कितना बढ़िया मारा। अरे एक मैं ठीक ठाक खेलता हूँ, जो चौथा टीममेट है जब पबजी बैन हुई थी उसके बाद आज BGMI खेल रहे हैं। अजू भाई कह रहे की जॉनी की टीम को 1v4 करने वाले हैं, क्या प्लान है? अरे मैं मजाक में बोला भाई, कॉन्ट्रोवर्सी हो जाएगी, कल वीडियो आएगा BGMI वर्सेस फ्री फायर। इधर ऐसा नहीं होगा जॉनी वर्सेस अजू, ऐसा होगा BGMI वर्सेस फ्री फायर। बड़ी बोला कि BGMI में करने वाले हैं। हां ये बात है भाई, हां सही है यार। अरे ये अपना भाई है, देखो कितना कवर हैकर है, हैकिंग करके खेलेगा। अरे अगर अंतर्यामी में आज 1v4 कर देते हैं ना तो मैं वो डायलॉग बोलूंगा हैकर है भाई, हैकर है वाला। आज 1v4 कर दो जोनाथन की टीम का पक्का। अरे यार बढ़िया प्लेयर है भाई। वैसे आपकी वॉइस से भी पहचानते थे लोग? हां वॉइस से पहचान लेते थे, तो इस वजह से तो मैंने अहमदाबाद बोल के रखा था। सूरत में तो जा रहा हूँ, सूरत में कुछ खाना खाने के लिए, वहाँ पे भी आवाज से लोग पहचान रहे हैं, तो इस वजह से मैंने अहमदाबाद बोल के रखा था जी। अच्छा ये बताओ आप मुंबई और दिल्ली गए हो दोनों? मुंबई हाँ, दिल्ली गया हूँ, मुंबई भी गया हूँ। हाँ सो मतलब मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि मैं लोगों से पूछ रही हूँ कि मुंबई बेटर है या दिल्ली, तो आप दोनों जगह के नहीं हो तो आप ऑनेस्ट आंसर दोगे ना? हाँ तो आपको क्या बेटर लगता है, मुंबई या दिल्ली? मुंबई। मुंबई ना? हाँ दिल्ली में पोल्यूशन है, मतलब मेरे को अभी गला मेरा पूरा खराब होके रखा है ना, ये ठंड में अच्छा लग रहा है अभी, लेकिन इतनी तो बहुत ज्यादा ठंड है। हाँ और बहुत पोल्यूशन, मुंबई में ट्रैफिक है बट पोल्यूशन इतना ज्यादा नहीं है, तो इस वजह से मेरा गला वहाँ पे खराब नहीं हुआ था। यहाँ पे कल आया अभी गला खराब है, दूसरे दिन। आप मुंबई टीम हो ना? हाँ मुंबई टीम, मुंबई जीत रहा है। अभी मैं सेटिंग कर रहा हूँ टूर्नामेंट के लिए अपने मोबाइल में BGMI का, ये देखो ग्राफिक सेटिंग में करवा रहा हूँ।
डेंटे भाई से, डांटे भाई ना, उनसे ही करवा रहा हूँ मैं। अगर प्रोनाउंस गलत करूँ मेरे को बता देना, कोई दिक्कत नहीं। और ये है हमारी पूरी की पूरी टीम, देखो वो बिजी सब लोग सेटिंग कर रहे हैं देखो मोबाइल में। अभी हमको जीतना है कुछ भी करके, हम लोग मैनिफेस्ट कर चुके हैं कि हम लोग जीत चुके हैं, बट अभी बस जीतना है एक बार। सुनने का भाई बता दो सबको स्ट्रेटेजी क्या है, थोड़ा हल्का सा बता दो वापिस से। अच्छा वापस से? हाँ अपने को देखो भाई। अरे उसको पहले बताओ। हाँ उसने नहीं सुना है। सब नूब है। हाँ अपने को की सब नूब है। ओके समझा। अपने को गेम से खेलना, कैंप करके खेलना है। लेकिन अगर कोई खेले अभी नेक्स्ट में नंबर वन पे आ गए ना तो तुम जीत जाओगे। हाँ वही ना, तो अच्छे से खेलो। एंट्री अच्छी है बट गेम प्ले करने का तरीका अभी थोड़ा कैजुअल है। दोस्तों एग्जाम की तैयारी चल रही है। दोस्तों ये भाई कोई है पता नहीं कौन है। ये कौन है मेरे को पता है। कौन है? वो प्रियंका दीदी है ना, प्रियंका चोपड़ा। कौन प्रियंका? वही दीदी प्रियंका चोपड़ा। अरे हाँ वो बोली। हाँ समझा। ये देखो उसका हस्बैंड था वो। ये साउथ के एक्टर है ना, इनके मूवी मैंने देखे हैं। अभी हम लोग एग्जाम देने जा रहे हैं। हाँ पढ़ाई कर रहे हैं, कभी रीड नहीं किया, आज करेंगे हम रीड। डॉक्टर शिवनी शास्त्री द वुमन हु चेंज द डायनामिक ऑफ वेडिक एस्ट्रोलॉजी। क्या है डॉक्टर? सोहिनी है। ओके वो थोड़ा क्या है ना, पढ़ाई लिखाई नहीं किया था हमने पहले। वेडिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई जा रही है हमको, अब पढ़ लिया। हम ऐसे रीड करते हैं फिर यहाँ पे गिविंग विंग्स टू योर ड्रीम। हमारे ड्रीम्स को ये लोग पंख देने वाले हैं भाइयों। अभी हम लोग आ चुके हैं दिल्ली से सूरत, और दिल्ली से सूरत में भाई सूरत में आते ही मजा आ रहा है। दिल्ली से सूरत भी था। हाँ यार वो अजीब ही था, प्लेन में कोई रीड कर रहा है बुक बार बार, और हम लोग बस ऐसे ही देखे जा रहे हैं कि क्या चल रहा है। चलो अब सूरत आ गया, बाहर पब्लिक हमको देख रही है, घूर रही है क्या कर रहा है लड़का।